Hello guys, have you already started to earn in the internet? I have earned $3,000 for 20 days. अगर आप भी मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हैं तो दी गई लिंक को फॉलो करें और मेरी तरह पैसे बनाएं और एटलीस्ट अपने अकाउंट को $5 के साथ रिफिल करें. गाइस, Asus का नया स्मार्टफोन Asus ZenFone 5 Lite इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है और इसके अगर मैं बजट सेगमेंट की से बात करूं तो ये आपको 14,000 रुपीस के अंदर में मिल जाएगा. अब इसके प्राइस सेगमेंट के अनुसार अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो ये Redmi Note 5 Pro के सामने आता है. बट क्या ये इस Redmi Note 5 Pro को बीट कर सकता है या नहीं कर सकता है, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस स्मार्टफोन से रिलेटेड. और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्मार्टफोन फरवरी 2018 में लिस्ट किया गया था वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस जो कि फरवरी 2018 में हुई थी इंडिया न्यू दिल्ली में. तो वहां पे इस स्मार्टफोन को लिस्ट किया गया था बट उसे इंडिया में लॉन्च होते होते काफी ज्यादा समय लग गया है बट फाइनली वो अब आने वाला है. तो क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है और क्या ये बीट कर सकता है Redmi Note 5 Pro को, तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ध्यान देता हूं तो यहां पे आपको जो स्क्रीन मिलती है वो मिलती है 6 इंचेस के फुल एचडी रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले. सबसे अच्छी बात ये स्मार्टफोन की ये है यहां पे आपको 18:9 रेशियो का डिस्प्ले मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है. और सबसे अच्छी बात तो यहां पे ये भी है कि यहां पे आपको एक फुल एचडी रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है. अब अगर मैं इसके बैटरी कैपेसिटी की से बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 3300 mAh के बैटरी. अगर मैं इसे कंपेयर करूं Redmi Note 5 Pro के साथ में तो यहां पे एक चीज ये मारखा जाता है क्योंकि Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी बट यहां पे गाइस आपको मिलती है 3300 mAh की बैटरी. तो चलिए अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की से बात करता हूं जो कि इसका एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है तो यहां पे ये ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आता है रियर साइड में भी और फ्रंट साइड में भी आपको ये ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ देखने को लिए मिलता है. तो अगर मैं इसके रियर साइड के कैमरे की से बात करूं तो यहां पे आपको जो रियर साइड में फर्स्ट कैमरा मिलता है वो है 16 MP का और जिसका सेकेंडरी कैमरा है वो आपको मिलता है 8 MP का. दोनों के लिए अगर अपर्चर की से बात करूं तो वहां पे आपको जो एपरेचर का सपोर्ट मिलता है वो है f2.0 का जो कि एक काफी कमाल का है. साथ ही साथ आपको वहां पे एक बैक साइड में एक एलईडी फ्लैश लाइट का भी सपोर्ट मिलता है और जस्ट नीचे साइड में आपको कंप्लीटली एक फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है. अगर मैं इसके कुछ लुकिंग कैपेसिटी की से बात करूं तो ये बैक साइड से बिल्कुल ही ग्लास फिनिश के साथ आता है. और अगर मैं इसके सेल्फी कैमरा की से बात करूं तो यहां पे आपको सबसे अच्छी बात देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पे आपको सेल्फी कैमरा में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है जो कि आज के टाइम में काफी कमाल का हो सकता है. अब अगर मैं इसके सेल्फी कैमरा की से बात करूं तो यहां पे जो आपको फर्स्ट कैमरा देखने को मिलेगा वो है 20 MP का. जी हां, यहां पे अगर मैं Redmi Note 5 Pro के साथ भी कंपेयर करूं तो यहां पे भी ये सिमिलर सा मिलता है बट प्लस पॉइंट इस स्मार्टफोन की ये है कि यहां पे आपको ड्यूल कैमरा मिलेगा तो पहला कैमरा आपको 20 MP का मिल जाएगा और जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो 8 MP का होगा. और सबसे अच्छी बात यहां पे ये है कि आपको इस स्मार्टफोन में जो सेल्फी कैमरा मिलेगा उसका एपरेचर आपको 2.0 का होगा जिसकी मदद से आप लो लाइट में भी अच्छी खासी इमेज कैप्चर कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात कि ये इससे आप सेल्फी में भी पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में उतनी अच्छी हद तक देखने को नहीं मिलता है. तो अब अगर मैं इसके कुछ रैम सेटअप की से बात करूं तो ये दो अलग-अलग वेरिएंट पे आएंगे. एक 3GB वाला रैम होगा और 4GB वाला रैम होगा. 3GB वाला रैम आपको 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल जाएगा और जो 4GB वाला रैम आएगा वो आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा. बस यहां पे एक बैक साइड की इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पे जो आपको इसका एंड्रॉइड वर्जन मिलता है वो मिलता है 7.1 जो कि नॉगेट पे बेस्ड है. बट कोई नहीं गाइस, यहां पे इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इसमें ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हो. अब अगर मैं इसके कंप्लीट ओवरऑल पैकेज की से बात करूं तो ये स्मार्टफोन काफी कमाल का लगता है बट यहां पे इसके नाम से ही आपको समझना होगा क्योंकि ये स्मार्टफोन आता है Asus ZenFone 5 Lite. मींस कि ये लाइट स्मार्टफोन है. यहां पे आपको उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं मिलेंगे जैसे कि अगर मैं इसके प्रोसेसर सेगमेंट की से बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 630. तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि Redmi Note 5 Pro में आपको इस्तेमाल किया गया है 636 जो कि एक अच्छी कैपेसिटी की प्रोसेसर है बट यहाँ पे भी आपको ये काफी कमाल का प्रोसेसर मिलता है बट अगर कंपेयर करूँ तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वन स्टेप ऊपर मिल जाता है Redmi Note 5 Pro में. तो यहाँ पे मैं फाइनली बात कर रहा था लाइट वर्जन की से में, तो अगर आप Asus के ZenFone 5 के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी और ये इसका लाइट वर्जन है तो यहाँ पे ये 14,000 के बजट सेगमेंट के अंदर में एक अच्छा सा मैच खाता है. और अगर आप Redmi Note 5 Pro के सेल्फी कैमरा से मतलब कि खुश नहीं हो तो आप शायद इसके साथ जा सकते हो क्योंकि यहां पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है. और साथ ही साथ एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि यहां पे आप ड्यूल सिम कार्ड के साथ में एक अपना मेमोरी कार्ड को भी इंस्टॉल कर सकती हो. तो आई होप गाइस कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हमारे इस चैनल पर नए नए वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. तो मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ में. जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर.